हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूर्य स्कॉर्पियो प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो सिंगल हैं, अभी अनमैरिड या कुंवारे हैं या फिर विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं। रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आज से लेकर यानी कि 24 से लेकर 30 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्वेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो सिंगल हैं या अनमैरिड या कुंवारे हैं या जिनके तो वो अभी उनका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो हम एक्वेरियस राशि के लोगों का देखेंगे। एक्वेरियस राशि के लोग जो अभी सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं तो उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी। अगर नया पर्सन उनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर वो किसी पास्ट पर्सन से डील करते हैं अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे वो वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस पर्सन का एक्वेरियस का रिसेंट पास्ट कैसा गया है आइए देखते हैं। इसको क्लैरिफाई करने के लिए तो एक्वेरियस जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, हो सकता है कि आप किसी से बहुत गहरा प्यार कर रहे थे, आपकी लाइफ में कोई था आप पर उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास था। विश्वास ही क्या, इतना ज़्यादा विश्वास था कि ये आपके सोलमेट होंगे, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ आपको प्यार में धोखा मिला या फिर आपने धोखा दिया, कोई हिडन लव उनका रहा है। हो सकता है कोई हिडन लव कोड भी हिडन लव उनका रहा है, जो ऑलरेडी वो पहले ही वो किसी से प्यार करते थे लेकिन आपसे छिपाया जा रहा था या फिर आप उनसे छिपा रहे थे। इस वजह से इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही। कभी आप से वो यस बोल रहे हैं, कभी ना कर रहे थे, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। रिश्ता बन रहा था बिगड़ रहा था, बन रहा था बिगड़ रहा था, कभी रिश्ते में आना जाना, कभी फिर से ख़त्म होना, तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में दिखाई दी। और जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हील करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए आपने थोड़ा सा रेस्ट आराम करने की कोशिश की है। हीलिंग करते दिखाई दिए हैं, मेडिटेशन करते दिखाई दिए हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ने की कोशिश की है, ताकि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, तो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही हैं या कन्फ्यूज़न रही हैं या फिर दिक्कतें रही हैं वो ख़त्म हो और नए सिरे से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की एनर्जी इस आपके रिसेंट पास्ट में दिखाई दी है। और जो भी पर्सन, हो सकता है कि कोई नया पर्सन या नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है या बहुत जल्दी मिल सकती है, लेकिन जो ये शादी के जो ये कार्ड है द हायरोफंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जिससे भी आपकी शादी होगी वो अरेंज मैरिज हो सकती है। माता पिता या बड़े बुजुर्ग, किसी एल्डर, किसी सुपीरियर, किसी ऐसे पर्सन की मदद से होगी जो जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, क्योंकि जो भी उनका फैमिली या परिवार होगा वो ट्रेडिशनल होगा, एक बड़ा परिवार हो सकता है। वो अपने दायरे से बाहर जाकर, मतलब इस तरह का उनके विचार हो सकते हैं कि वो अपनी कास्ट से या अपनी जो है द
धर्म से बाहर जाकर दूसरे धर्म में वो शादी नहीं करने वाले हैं, तो उन चीज़ों को आपको झेलना पड़ सकता है या कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो इस तरह के शादी के योग आपके बनते दिखाई दिए हैं, अगर कोई पर्सन आ रहा है या बहुत जल्दी आने वाला है तो, या फिर उसी वजह से भी कुछ ना कुछ इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं कि ये आप अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते थे लेकिन माता पिता या बड़े बुज़ुर्ग इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो अपने दायरे में रहकर, अपने ओहदे में रहकर, यानी कि अपने कास्ट में या अपने रिलेशन में इन चीज़ों में शादी करना चाहते थे, चाह रहे हैं, लेकिन आप हैं कि अपने लव के पीछे पड़े हुए थे, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वहाँ इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी और वो रिश्ता आपका ख़त्म हुआ। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, तो वहाँ आप हीलिंग और मेडिटेशन करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपने समझौता किया कि जो भी करेंगे यूनिवर्स ही करेंगे, उनके भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इस तरह की आपकी रिसेंट पास्ट आपका दिखाई दिया। देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई ना कोई नया पार्टनर, नई एनर्जी आपको मिल सकती है। वो एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, तो उसके साथ और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आ रही थी, बैलेंस नहीं आ रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आती दिखाई दे रही है, जो अब तक नहीं बन पा रही थी, चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं, उनका दान दक्षिणा देते हैं, या फिर कपड़े से, पैसे से, खाना खिलाने से, किसी भी तरह से गरीबों की मदद करते हैं, पंछियों को खाना खिलाते हैं या फिर कुत्तों को दूध या खाना कुछ भी देते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके की जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, वो बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि दान दक्षिणा में सफलती फूलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, और ये जो इमैच्योर एनर्जी है वो जब तक मैच्योर नहीं होगी, आपको सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए, तभी आपको कदम बढ़ाना चाहिए जब वो एनर्जी इमैच्योर हो जाती है। तब तक आप उनके साथ घूमना फिरना, बैठना उठना, सोच, ये सब सोच विचार सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो सही है, अदरवाइज़ आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आपको बढ़ना होगा। कई बार वाणी पर कंट्रोल ना करने की वजह से, कड़वा बोलने से, तीखा बोलने से भी रिश्ते बनते और बिगड़ जाते हैं। तो प्यार से, प्रेम से अगर आप हैंडल करेंगे चीज़ों को यूज़ करेंगे बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, तो धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो बाधाएं, रुकावटें आपके रास्ते में आ रही हैं वो ख़त्म होंगी, और प्रेजेंट करंट एनर्जी जो बता रही है वहाँ इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर, नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ सकता है, वहाँ आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, समझौता करने की ज़रूरत है। अगर चाहे उसके लिए आपको मुफ्त बनना पड़े, थोड़ा अपने दूसरों के अगेंस्ट जाना पड़े, थोड़ा सा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो बाधाएं, वो रुकावटें, वो ऑब्स्टिकल ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर आपका आगे अच्छा और ब्राइट रहेगा। यहाँ नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी, नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है, और उससे शादी के भी योग आपके, अगर आप चाहें तो बन सकते हैं,
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हीलिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो पास्ट और प्रेजेंट जो बता रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव समय से आप गुजरे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं, जो चक्रास आपके बिखरे पड़े हुए हैं या ब्लॉक हो चुके हैं, वो अनब्लॉक होंगे। तो और यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, उसको आप और वो यही होगा कि आपके लिए रिश्ता आ रहा है, आप उसको अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो रिश्ता आपके लिए खुशियां दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। आपको अपने चक्रास को अलाइन करने की ज़रूरत है, उन पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर आप क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, तो आप कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन जाएंगी, रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो बाधाएं ख़त्म होंगी और आपका फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। आपके जो चक्रास हैं, जो इम्बैलेंस हैं, वो बैलेंस होंगे और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है, काफ़ी जो भी पर्सन आ रहा है वो आपको खुशी देगा, आप उसके साथ हैप्पीली अपनी जर्नी बिता सकते हैं। लेकिन वही है कि पहले आपको अपने आप में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, अपनी परेशानियों को, अपनी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन, जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि सोच रहा है, विचार रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में वापस आया जाए। तो वो सोच विचार कर रहे हैं, आने का सोच रहे हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो इसलिए वो अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, उनको लग रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। भले ही इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सोच समझ कर वो सोच विचार कर रहा है कि किस तरह से आपके पास आया जाए और इस रिश्ते को बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाली दे सके। तो पास्ट पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है और नए पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत है। तो देख लीजिए जिसके साथ आपको जाना है, ये आपका पर्सनल मैटर है। थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है, क्योंकि ये एक स्लो एनर्जी है और प्रेजेंट वाली जो है एक बैठी हुई एनर्जी है, तो थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई नया या पुराना, दोनों ही पर्सन आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइडेंस कीजिए या मैसेज दीजिए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या सही रहेगा। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स है, तो अभी इस रिश्ते में आपको नहीं जाना है। या तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आप एक दूसरे से छिपा रहे हैं, या वो सामने आ गया है। तो क्लियरली, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी राज के, बिना किसी मिस्ट्री के, बिना किसी रहस्य के, बिना एक दूसरे से छिपाए इस लड़ाई, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को ख़त्म करना है, तभी आप नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं,
तो इस रिश्ते से आपको छुटकारा मिल सकता है। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन चीज़ों को क्लियरली आपको हैंडल करना पड़ेगा, इन लड़ाई झगड़े को, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फ्रीडमली आपको एक अच्छा पार्टनर बन सकता है, एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, जिसके साथ हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा आप और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रहे, ये भी हो सकता है। क्योंकि या तो आप या तो आपके पार्टनर या तो फौरन से हैं या तो फौरन जाने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप और आपके जो भी पार्टनर हैं वो फौरन जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ फॉरनर्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब टूर एंड ट्रेवल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप या जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं वो या तो कोई एक जना फौरन से हो या दूसरे स्टेट से, यानी कि दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आपके रिश्ते में रह सकता है, दूरियां थोड़ा सा रह सकती हैं। तो उन सबको शॉर्ट आउट आपको करना होगा, देखना होगा, सोचना समझना होगा, तभी जैसा आप चाहेंगे। अगर उससे छुटकारा चाहते हैं जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं तो वो भी हो सकता है, और अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं या उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।